खोल लेता है माशाल्लाह। बेशक बेशक। मेरी जब नौकरी गई थी पूरी रात नहीं सोया था मैं ये सोच सोच करके घर कैसे चलेगा, बच्चियों की शादी कैसे होगी, मगर देखो सारी मुश्किलें हल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अनमका निकाह भी सादगी से हो गया और अब अकरम भाई ने भी कह दिया कि हानिया की शादी भी सादगी से हो। शुक्र है। अगर ये बेटियों की शादियां सादगी से होने लग जाएं तो बापों को कभी हाथ ना फैलाना पड़े। काश ऐसा हो जाए भाई साहब। इंशाल्लाह हो जाएगा, तालीम आती जा रही है, अक्ल आती जा रही है। इनकी कोई खबर ही नहीं है तुम्हारे पास कोई फोन वगैरह आया आयजा का या अनम का? तो फिर चक्कर लगा लें अनम की तरफ वो आते हैं। जी मैं अब अनम को फोन कर रहे हैं क्या? पहले जरा आयजा को कर लूं। कौन आ गया? सो आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं और नकबा तुम्हारी तरफ आने का सोच रहे थे। जीती रहो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बेटा अकेली आई हो, साथ नहीं आए? साथ में वो किसी काम से सांभर गए हुए। तो मैं घर पे बोर हो रही थी, मैंने कहा आप लोगों को मिल लूं। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब शादी की तैयारियों में हाथ बटाओ। वो बेचारी फिजा तो बिल्कुल दो घरों की तैयारियां कर करके पागल हो गई हैं? जी ठीक है, मैं आया बेटे। okay. अभी आता। सब खैरियत है ना? खैर है। चाय पियोगी? मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, तुम सामान वगैरह रखो, मैं बनाती हूँ। जी